मेरा उपदेश बिल्कुल सहज और सीधा है। ध्यान को हर एक व्यक्ति के जीवन शैली में उतर देना है। ध्यान की अपार क्षमता की अधिकारी हर एक को कर देना है। फिर जाकर ये पूरा जगत बदल सकता है। जो भी व्यक्ति विश्व शांति का बात करता है, उसे ध्यान की बात सबसे पहले करनी होगी। उसे सबसे पहले ध्यान की बात करनी होगी। बिना ध्यान के इस जगत में शांति कभी भी संभव नहीं है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा शांति, प्रेम, अमन प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान की अपार संभावना है। उन संभावनाओं के सारे द्वार हमें खोल देना है। पूरे जगत में अगर हिंसा को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने लिया तो वो ध्यान ही है। ध्यान प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण खोज था और पूरे विश्व के इतिहास में अगर कोई सबसे क्रांतिकारी विषय, कोई सबसे उपकारी विषय कभी खोजा गया है तो वो ध्यान ही है। ध्यान के बारे में जो गलत सोच, गलत धारणाएं, गलत सूचनाएं लोगों के दिमाग में भरा है, बस उन्हें अगर दूर किया जाए तो ध्यान बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर कोई ध्यान को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई महाविज्ञान, महाक्रांति कुछ भी नहीं। इतना सरल और स्वाभाविक विषय तुम्हारे हाथों के पास था, फिर भी तुमने देखा नहीं, फिर भी तुमने जाना नहीं, फिर भी जीवन में उतारा नहीं। इस जगत में कोई व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा संपत्तिशाली होना चाहे तो सबसे पहले उसे ध्यान को प्राप्त कर लेना है। जो व्यक्ति ध्यान को प्राप्त कर लिया, जगत की शक्ति की सारे सोपान उसके चरण तले खोल गया। इस दुनिया का सबसे संपत्तिशाली व्यक्ति अगर बनना है तो फिर ध्यान के सारे सोपानों को पार कर जाना है। इसी में संपत्ति की प्राप्ति है। तुम्हारे पास दुनिया का सारा धन संपदा भी अगर हो जाए, परंतु वो मन ना हो जिससे तुम विषयों को देख सको, अनुभव कर सको, जान सको, उपभोग कर सको, फिर ऐसी संपदा का, ऐसे संपदों का क्या फायदा। इसलिए पहले तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है, फिर जाके विषय रहेगा तो तुम उसे उपभोग कर सकोगे, उन्हें व्यवहार कर सकोगे। मैं तुम्हें तुमसे मिलाने का कोशिश करता हूं, तुम्हें संपूर्ण करने का। जो विधि ध्यान में दिया गया है बस उसी को बताने का एक मार्ग देता हूं, एक सपना दिखाता हूं जो सपना हकीकत बन सकता है, जो सपना जीवन में उतारा जा सकता है, जो सपना तुम्हें तुमसे मिला सकता है।